दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड के फिल्मों का क्या हाल हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। यानी कि भैया, इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों की कुछ हालत ऐसी हो गई है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार ऑडियंस को यूं पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं, चलना भाई देख लेना यार, इतना साल तुम्हारा इंटरटेनमेंट किया, बोले तो तुम्हारा इंटरटेनमेंट किया तो बाबू ये फिल्म देखना बनता है ना। भैया, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार अपनी फिल्मों को लेकर ये ऑफर बता रहे हैं दर्शकों को कि भैया एक टिकट कर दोगे ना तो पूरा परिवार के साथ फिल्म देखने जाओगे। लेकिन भाई, ये ऑफर भी ऑडियंस को हजम नहीं हो रहे। ऑडियंस बोली, भैया हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है बॉलीवुड की फिल्मों को देखने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं देखेंगे बॉलीवुड की फिल्मों को। नहीं देखना भाई, तुम चाहे एक के साथ, दो दो के साथ, तीन तीन के साथ, पांच वाला ऑफर लाओ, हम बॉलीवुड की फिल्मों को करते हैं बहिष्कृत। तो भाई, एक तरफ बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के पसीने छूट रहे हैं अपनी फिल्मों का बजट निकालने के लिए बॉक्स ऑफिस पर, उसकी दूसरी तरफ साउथ की फिल्में जो कि भैया अभी सिनेमा घरों में एंट्री नहीं मारी हैं, कि उससे पहले इन फिल्मों को इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कि उसको देखने के बाद ये बात साफ हो रही है कि बाबू ये तो अभी शुरुआत है, 2024 जो है वो साउथ के हाथ है। तो भाई, ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि इन दिनों साउथ की आने वाली एक फिल्म को लेकर खबरों का बाजार कुछ इस कदर गर्म हुआ है कि उसको देखने के बाद आप ये बात कहोगे कि नहीं भाई, नहीं, इस फिल्म का इंतजार तो वाकई में पुष्पा भाऊ के दीवाने पूरे इंडिया में कर रहे हैं। यानी कि भैया, स्टाइलिस्ट आइकॉन अल्लू अर्जुन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म झुकेगा नहीं भाई, यानी कि पुष्पा द अग्नि पार्ट टू जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है 15 अगस्त को। और भाई, इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने से पहले इस फिल्म का जो सिनेमा घर का राइट जो बड़े अमाउंट पर बिका है ना, उसको देखने के बाद तो भैया हमको लगता है ना कि जो हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं ना बॉलीवुड के, उनकी आंखों की जो गोटियां हैं ना, वो पुतलियां हैं ना, वो बाहर निकल आएंगी और बोलेंगी कि इतना इतना प्यार इस फिल्म को और हमारी फिल्म में थोड़ा सा भी प्यार नहीं, हमने क्या बुरा किया है। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा बनने वाला है मेरे भाई। केवल हिंदी राइट इस फिल्म के, सिनेमा घरों के जो हिंदी राइट है वो 200 करोड़ में बिक गए हैं मेरे भाई। अभी तो साउथ का जो राइट है वो बिका ही नहीं है। और भाई, अगर इस फिल्म को केवल हिंदी बेल्ट से 200 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आप समझो कि भैया अगर इसके थिएटिकल राइट अगर साउथ में 100 करोड़ से ज्यादा पर बिकते हैं, यानी कि 150 करोड़ के आंकड़े पर बिकते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में आने से पहले 350 करोड़ का बिजनेस कर लेगी मेरे भाई। उसके बाद भैया, इस फिल्म का डिजिटल राइट है, उसके बाद म्यूजिक वाला राइट है, ये सारे राइट जब बिकेंगे तो आप समझ लो कि ये फिल्म सिनेमा घरों में एंट्री मारने से पहले ही 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी रहेगी। यानी कि भैया, अनिल थडानी ने कर दिया ये ऐलान कि बाबू देखो ऐसा है कि हम साउथ के फिल्मों के लिए हैं बॉलीवुड में पहलवान। यानी कि भैया, अनिल थडानी ने भर भर कर पैसे दे दिए इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों को, मतलब मेकरों को, कि बाबू लो लो और इसके राइट मुझे दे दो, मैं इस फिल्म को रिलीज करूंगा हिंदी बेल्ट में। यानी कि भाई, जो स्वाद लग चुका है ना साउथ के फिल्मों से अनिल थडानी को, अनिल थडानी उसका स्वाद हमेशा लेना चाहते हैं। यानी कि भैया, केजीएफ के चैप्टर वन से जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है, वो सिलसिला जो है वो भाई सलार तक चलता रहा, और सलार को सिनेमा घरों में रिलीज करने के बाद हिंदी बेल्ट में, अब उन्होंने तो भैया एक नहीं, चार साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों का राइट खरीद लिया, ये कहते हुए कि भैया ये चारों फिल्में मुझे दे दो, मैं इन चारों फिल्मों को बॉलीवुड के मार्केट में लॉन्च करूंगा। यानी कि भाई, कल्कि का भी जो हिंदी राइट है वो अनिल थडानी के पास है, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के पार्ट टू का भी जो राइट है वो अनिल थडानी के पास है, देवरा का भी जो राइट है वो अनिल थडानी के पास है, और उसके बाद बाबू गेम चेंजर का भी जो राइट है वो अनिल थडानी के ही पास है। यानी कि भैया, इस बार तो ऐसे अनिल थडानी जो है वो पैसे बटोरेंगे मेरे भाई इन सभी फिल्मों के माध्यम से, क्योंकि भैया इन सभी फिल्मों का क्रेज इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही स्ट्रांग है। और इन सभी फिल्मों को लेकर जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं उसको देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भैया वो तो नोट गिनने की मशीन खरीद कर रख लेंगे अभी से, कि भाई एक दिन जरूरत पड़ेगी नोट गिनने के लिए। तो भाई चलिए, अनिल थडानी से पैसा फंसाया है तो भैया उनको पैसा तो कमाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन भाई, साउथ की फिल्मों को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, वैसे फिल्म बॉलीवुड के फिल्मों को रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला मैंने भाई 2024 में? कुछ लोग कह रहे थे कि ये सारी फिल्में नहीं चलेंगी, लेकिन भाई पुष्पा के पार्ट टू को लेकर अगर कोई ये बात कहता है तो मैं बोलूंगा कि उसके मुंह पर बोलो चुप्पी लगा लो बाबू, ये फिल्म जब सिनेमा घरों में आएगी तो पूरी तरीके से
तो भाई चलिए, पुष्पा को लेकर और भी कई सारे अपडेट आए हैं, और उसमें से एक जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भाई देखिए, पुष्पा के पार्ट टू का भी हाल फिलहाल में ही एक जबरदस्त टीजर हमें देखने को मिला था, जिसमें पुष्पा भाव जो है वो एक अलग ही अवतार में नजर आए थे और भैया गुंडों की सुताई धुनाई और पिटाई कर रहे थे। और ये जो टीजर है वो लॉन्च हुआ था अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर, लेकिन पुष्पा के पार्ट टू को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का एक और जबरदस्त टीजर इस फिल्म को सिनेमाघरों में लाने से पहले ऑडियंस को दिखाया जाएगा, बज को और भी खतरनाक लेवल पर ले जाने के लिए। यानी कि भैया ऐसा है कि ये जो दूसरा वाला टीजर हम लोग के सामने आया है ना, इसमें आपको पुष्पा भाव का डायलॉग भी सुनने को मिलेगा और जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ पुष्पा के पार्ट टू को लेकर तो ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म का एक जबरदस्त सॉन्ग बहुत जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है पब्लिक का एग्रेशन बढ़ाने के लिए। तो भाई पुष्पा को जिस तरह की कामयाबी सिनेमाघरों में आने से पहले मिलने लगी है, उसको देखने के बाद जलन हो रही है, होगी ना भाई, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों की या ये सारी फिल्में जो हैं इस साल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जगत सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वारंट अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।